नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शुक्रवार शाम से ही जारी तेज बारिश के चलते मंदसौर जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चंबल, शिवना, तुम्बुर, रेतम, सोमली, अंजनी, रेवा सहित सभी नदी नाले उफान पर हैं। पानी की तेज आवक के चलते गांधी सागर बांध के सभी 19 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं शिवना नदी ने एक बार फिर पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश कर लिया है। लगातार बारिश से खंडवा, मंदसौर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, नीमच, आगर मालवा में जिले के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित है। वहीं इंदौर में 5वीं क्लास तक अवकाश घोषित किया गया है। एक बार फिर पीसीसी चीफ को लेकर फैसला टल गया है। अब करीब 2 हफ्तों के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा कि प्रदेश की कमान किसे सौंपी जाए। पार्टी आलाकमान ने बैठक में इस बात के संकेत दिए हैं कि संगठन की मजबूती पर प्रदेश इकाइयां खास ध्यान दें। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि श्राद्ध पक्ष शुरू होने के चलते फैसले को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद सीएम कमलनाथ ने किसान कर्ज माफ की फाइल पर 10 मिनट में हस्ताक्षर भी किए थे। सरकार को सत्ता में आए 9 महीने हो गए हैं, लेकिन बैंक द्वारा किसानों को कर्ज चुकाने के नोटिस भेजे जा रहे हैं। इन नोटिस की भाषा भी धमकी भरी है, जिससे किसानों में खासी नाराजगी है। उनका कहना है कि सरकार ने हमारे साथ छल किया है। राजधानी भोपाल के छोटे तालाब में खटलापुरा घाट के पास हुए नाव हादसे में 11 युवकों की मौत के बाद अब हादसे की जिम्मेदारी तय करने को लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने इस हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। मंत्री शर्मा ने जारी बयान में कहा कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। व्यापम महाघोटाले से जुड़े एक मामले में 3 आरोपियों को बरी करते हुए सीबीआई की विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को तलक टिप्पणी की। विशेष न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने 90 पेज के फैसले में सीबीआई की जांच और व्यापम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने व्यापम के बड़े अधिकारियों को बचाने, चपरासी और सिक्योरिटी गार्ड जैसे छोटे कर्मचारियों को मोहरा बनाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।